कैसे हैं दोस्तों आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक बढ़िया स्पेशल सी चीज़ लेके काला खट्टा बर्फ़ का गोला बाज़ार में खाने हम जाते हैं इसे हम घर में बनाएंगे और बढ़िया स्वादिष्ट सेम वही टेस्ट आएगा बहुत ही आसान तरीके से कुछ नहीं करना है बिल्कुल घर की घरेलू चीज़ों से जो कि हमारे पास हमेशा दस में से आठ बार तो आपको घर पे मिलेगी ही मिलेगी क्या करना है सबसे पहले आपके पास कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए चाट मसाला ले लीजिए नींबू ले लीजिए चीनी ले लीजिए काला नमक ले लीजिए ये सारी चीज़ें ले लेंगे और पहले कोल्ड ड्रिंक जो हम सॉफ़्ट ड्रिंक अपनी लेंगे उसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं अब उसके बाद उसमें नींबू है चाट मसाला है काला नमक है और जो चीनी है ये मिक्स कर लेंगे अब टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बहुत ज़्यादा मत डालिएगा थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा काला नमक देखिए सॉफ्ट ड्रिंक जो आपकी होगी उसमें टेस्ट ऑलरेडी होगा चीनी होगी इसलिए थोड़ी सी चीनी हम बढ़ा रहे हैं हमने नींबू और नमक ऐड किया है इसलिए ये सारी चीज़ें मिक्स करके कुछ नहीं करना है चीनी को अच्छे से घुल जाने दीजिएगा और उसके बाद इसे हम मोल्ड में डाल देंगे इस तरीके से पहले मैं इसकी चीनी इसमें अच्छा आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो चीनी है वो पीस के ले लीजिए तो ये झटपट घुल जाएगी इस तरीके से मुझे थोड़ा टाइम लगा कि पहले चीनी इसमें घुल जाए तब मैं इसको मोल्ड में डालूँ ठीक है ये चीनी लगभग घुल गई है ये बीज निकल आया है नींबू का हटा देती हूँ नहीं तो ये अगर किसी के मुंह में आया तो फिर बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा और बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलेंगी ये लीजिए तैयार है अब इसे हम मोल्ड में डाल लेंगे मोल्ड में भरने के बाद इसको हम फ्रीज़र में जितनी देर में आपका हो सकता है चार ही घंटे में जम जाए मेरा पॉप्स के लिए जमने में छः घंटे लगे तो ये बिल्कुल काला खट्टा वाला जो हम बाज़ार से खाने जाते हैं बर्फ़ का गोला उसी का टेस्ट आएगा और बिल्कुल ज़बान पे इतना मज़ा आ जाएगा कि आप बाहर खाने तो जाएंगे ही नहीं घर में ही ऐसे जमा लेंगे और फटाफट से खा लेंगे तो इसको मैंने इस तरीके से मोल्ड में भर दिया है रख देंगे फ्रीज़र में छः घंटे बाद बढ़िया जमी हुई आइसक्रीम मिल जाएगी हमको ये इस तरीके से इसके कैप्स को मैं लगा देती हूँ ये परफेक्ट काम हो गया है अब इसको फ्रीज़र में रख दिया एक चीज़ और बताना चाहूँगी जब ये जम जाता है तो अगर आपने सेपरेट स्टिक वाले लिए हैं तब कैसे इसको निकाला था ये आप मेरी दूसरी वीडियो में जो वाटर मिलर पॉप स्किल बनाए थे उसमें आपने देखा था एक साथ अगर सांचा इस तरीके से मोल्ड आपका है तब कैसे करेंगे तो आपने क्या करना है मेरी तरह ऐसे प्लेट लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए इससे क्या होगा नीचे से आपकी जो आइसक्रीम होगी हल्की सी पिघल जाएगी हल्का सा प्रेस करेंगे और आइसक्रीम निकल आएगी इस तरीके से तो फिर ये देखिए तैयार है काला खट्टा बर्फ़ का गोला और इसको बढ़िया मज़े लेके खाइए और इस गर्मी को दूर भगाइए तो फिर कैसी लगी ये वीडियो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो अपने पास पहले जानना चाहते हैं कि आने वाली है तो फिर ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए लाइक शेयर करते रहिए Thank you for watching.